10 मिलियन वाला है ये तो टोटली पूरा खर्चा मुझे लग रहा 60 के करीब ही हो जाएगा यहाँ पर। हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, सुबह के 8 बज रहे हैं और दिन काफी अच्छा है आज का, थोड़ा सा एनर्जेटिक लग रहा है, सुबह उठाऊ थोड़ा सा मजा सा आ रहा है। और ये रही अपनी थार, जो कि मैंने बोला था कि जो गाड़ी कमेंट करोगे वही लूंगा, तो आपकी बहुत सारी प्यार से और बहुत सारी कमेंट और गाड़ी फाइनली ले ली है और इसमें कुछ काम होने हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा इधर उधर चलते हैं, अभी जैसे कि संजय भाई के पास चल रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे आगे। कैसा फील हो रहा है अभी गाड़ी में बैठ के? अलग ही फील आ रहा है भाई, थार में इतने ऊपर बैठे रहे। दो बंदे के लिए तो जबरदस्त है, दो पीछे हैं उनके लिए भी जबरदस्ती है, बस सीट का थोड़ा सा इशू वो ये सब चीज तो कोई दिक्कत ना, पीछे वाली सीट पर हमारा सामान ही आएगा। वैसे भी हम तो दो ही चलेंगे जहाँ भी जाएंगे, टू सीटर है। तो अभी सबसे पहले मिठाई विठाई लेते हैं और संजय भाई के घर चलते हैं। काफी दिन बाद आया हूँ ना मैं इधर गांव की तरफ, तो इधर पटड़ी बन गई है और ये रास्ता चेंज हो गया है, मुझे इसका नहीं पता था। अब तो ये बढ़िया हो गया, नहीं तो पूरा टूटा पड़ा था। और ऊपर से इधर जो दिख रही है तो पटड़ी वाली जो लाइन है वो जा रही है, रास्ता भी अच्छा बना दिया, पुल बना दिया तो नीचे। काफी टाइम बाद आया हूँ इधर की तरफ, जब ही इतना डेवलपमेंट एकदम से हो गया फिर है ना, पहले हम आए थे जब थोड़ी इतना खाली पड़ा है सब कुछ। जो भाई का गाँव है उससे पहले ही हमारे गांव में कब तरक्की आएगी, बम्बाड़ में समझ नहीं आ रहा। बम्बाड़ ऐसा क्या, ऐसे हाईवे के पल्ली तरफ और कर दिया, वहां तो कुछ ना डेवलपमेंट है ना ही कोई सुविधा है। तो ये आ चुके हैं हम प्रॉपर गांव में और ये ज्वार बो रही है, ज्वार का सीजन चल रहा है। हमने बहुत ज्वार काटे भाई, ज्वार से याद आ गया मुझे, मैं सिर पर दर दर के लावा ज्वार काट के, मम्मी मैं छोटू भाई। हम पहुंच चुके हैं गाँव में और यहाँ से मुड़ते ही भाई का घर है सामने। गाड़ी इधर आ जाएगी, इधर तो ना आएगी, मट्टी पड़ रही, पहले तो इधर खड़ी कर दे हम। संजय भाई बुला लो कि बाहर ही। राम राम जी, आ जाओ चलाओ तो सही, फिर चल रहे हैं आगे से मोड़ लाओ, आओ तो चल रहे हैं ना, लगा लगे मोड़ के तो लाओ, आओ बैठो आगे जाओ, चलाओ तो सही फिर करेंगे, बैठो। आ चुके हैं थोड़े जंगल में, लेकिन आगे रास्ता खत्म होगा इधर, तो सामने पटड़ी है और इधर हम हैं। भाई कैसा फील आ रहा गाड़ी में? मजा आ रहा। शीशे फोड़ दियो गाड़ी का शीशे। भाई चिढ़ने वाले साले कम न होते, मैं हमारा कहीं ऐसी जगह भी ना खड़ी करूं, क्योंकि लोगों ने पता चला साले गुस्से में शीशे भी सब फोड़ दिया है। तो भाई ठीक है, दोबारा मिलते हैं, कहीं घूमने जाएंगे जब तीनों साथ ही चलेंगे। तो अभी यहाँ से निकल रहा हूँ मैं, भाई को जाना है, थोड़ा लेट हो रहे हैं, चले भाई। तो गाइस दो दिन पहले तो इसकी टंकी फुल करवाई थी और अब देख रहे हो फ्यूल लो बता दिया इसने, तो मतलब यू आफत रह गई इसकी टंकी भरवाओ, पहले 4500 रुपये, फिर कहीं तुम चलोगे फिर तुम कहीं जाओगे। तो सबसे पहले पेट्रोल पंप पे थोड़ा सा तेल भी डलवाएंगे और फिर जाएंगे फ्लैट पे, और वहाँ से हमें एक दो जगह जाना है और कुछ सामान भी खरीदना है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं गाँव में से, हमने तेल डल, अब सीधा निकलना है फ्लैट पे, और वहाँ के बाद मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी जाएंगे और जो भी करेंगे सब आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यार फील हो रहा है गाड़ी में बैठ के, हाँ कहीं बैठे हुए हैं और गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, एक ऐसी मतलब गाड़ी से इस गाड़ी पर आना भी एक बड़ी बात है। और दूसरा अब तक भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने खुद ने गाड़ी खरीद ली है, मतलब बिलीव नहीं हो रहा अपने आप पे अभी भी। कल भी मैं यही सोच रहा था और आज भी दिमाग में यही बात आ रही थी, लेकिन मेहनत करते हैं हर चीज पॉसिबल है, तो सबके लिए पॉसिबल है। आप सबका प्यार है और सबका सपोर्ट है, तो लव यू ऑल। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने फ्लैट पे, और उस जब मैं गाड़ी लेके आया था तो सारे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे भाई मेरे, जितने भी थे सब बोल रहे थे भाई मीठा मीठा, तो उस टाइम पे रात में मिला नहीं, तो अब मैं थोड़ा सा मीठा खिला देता हूँ इन्हें। लो जी मिठाई। निकलते
हैं, सीधा फ्लैट से कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और सीधा दिल्ली के लिए निकलना है। अभी तो दिल्ली निकलेंगे। अभी कपड़े वपड़े तो चेंज कर लिए हैं, बाकी एक बंदा और जुड़ चुका है हमारे साथ जो कि आ गया है। चलो अभी बैठो मेरे बैग में। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक और यहाँ पर यहाँ से मार्केट थोड़ा दूर है। हमने गाड़ी दो फ्लोर नीचे खड़ी करी है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी सांस भी ना आए, भाग के आए हैं पूरी तेज। तो अभी मार्केट चलते हैं। तो गाइस हम आए थे चांदनी चौक ये 9 प्रो लेने और अभी देख रहे हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है और 10 में और इसमें थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, उसके बाद देखते हैं कौन सा लेना है। तो इसकी एसेसरीज और ये टोटल मुझे लग रहा है 50 तक पड़ जाएगा। तो अभी देखते हैं एसेसरीज वगैरह क्या क्या है इसकी, क्या नहीं है। तो ये था हमारा दिल्ली आने का रीजन और चांदनी चौक आने का रीजन। GoPro तो ले लिया पर उसके साथ बहुत सारा सामान लेना पड़ गया। अभी ये है अडेप्टर, चार्जर, बैटरी अलग से, और एक पहले ये दिखा देता हूँ मैं GoPro 9, ये है कुछ ऐसा। तो ये है रॉड का माइक जो कि हमें GoPro के लिए लेना पड़ा है। तो टोटली पूरा खर्चा मुझे लग रहा 60 के करीब ही हो जाएगा यहाँ पर पूरा। GoPro लग रहा था कि पहले GoPro लेंगे, थोड़ा छोटा सा कैमरा है, सस्ता सा ही होगा, लेकिन इसने झबक छुटा दी। सो गाइस ये है हमारा रॉड का माइक और GoPro से मैं शूट कर रहा हूँ और ये शूट इधर भी हो रहा है, थोड़ी क्लिप इधर से भी ले लेंगे। तो अभी आईफोन से शूट करते थे हम और अभी हम कर रहे हैं GoPro से। तो GoPro का बस स्टैंड रह रहा है जो कि यहाँ पर है नहीं, वो शॉर्ट वाला लेना पड़ेगा चांदनी चौक से ही। तो अभी हम चांदनी चौक से निकल रहे हैं और यहाँ पर हमने जो ये कैमरा लिया है ना GoPro, इसकी क्वालिटी काफ़ी ठीक लग रही है मुझे। मैंने रिकॉर्ड करके भी इसकी वॉइस देखी है। इसमें रॉड का जो माइक है ये तुम्हें बार बार ऊपर से दिख रहा है, ये बार बार लग रहा है। ज़्यादा कैसे टोंग दिया भाई, ये थोड़ा पीछे करके टोंग दो इसे। सो अभी मार्केट में है हम और एक बिजी पर्सन है जो चल रहा है, ये हाई कर रहे हैं भैया। भाई पता ना पर कौन है पर हाई कर रहे हैं। सो अभी पार्किंग में चलते हैं, थोड़ा कुछ खाते हैं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स मिल गए थे यहाँ पर। सो गाइस अभी हम हैं रोहिणी में और यहाँ पर बहुत देर बाद बिरयानी ढूंढ रहे थे लेकिन बिरयानी तो मिली नहीं, तो अंडे मिले हैं। थोड़ा सा देखते हैं अगर उबले हुए अंडे मिल जाते हैं, ऑमलेट मिल जाते हैं वो खाएंगे। और अभी डाइटिंग वाइटिंग हमारी ख़त्म चल रही है क्योंकि थोड़ी गेनिंग करनी है, उसके बाद गुरु जी ने बोला है कि थोड़ा गेनिंग करनी है उसके बाद फिर सोचेंगे। ऑमलेट के बाद हम सीधा जा रहे हैं पंकज भाई के पास और पंकज भाई थोड़ा हॉस्पिटल में थे इसलिए थोड़ा लेट हो गए वो। तो अब चलते हैं और मिलवाते हैं उनसे, मुझे थोड़ा काम भी है वो भी करेंगे। काट लेता है ये कैसे भाई, बढ़िया। और सुनाओ आदि भाई का कैमरा हो गया ठीक है आदि भाई, पार्टी। पंकज भाई पहले तो कह रहे मुझे सिखा दो, मेरे पता ना मेरे कैमरा में कुछ दिक्कत हो रही, खुद ने ठीक कर दिया। ये तो अभी हम आए हुए हैं पंकज भाई के पास। तो ये रे और एक चीज और बताऊंगा, बोल कर लो क्या करना। जैसे ये स्क्रीन ऐसे आ रही है ना, तो ऐसे वाली स्क्रीन हो जाती है, पूरी स्क्रीन दिखाई देगी फिर, पूरी दिखेगी। जैसे अभी आधी स्क्रीन नहीं दिख रही, आधी नहीं दिख रही, साइड को दिखने रहा तो पूरी दिखेगी फिर। अरे भाई साहब तुम कर दो ना ये, आज लियो करियो। तो भाई ये आ चुके हैं दाल चावल जो भी बहुत टेस्टी है। भाई हमारे डाइट के हिसाब से देखो खाना भी बनवा कर रख रखा।
आ रहा हूँ तुम्हारे पास, आ रहा हूँ अभी। सही में तुम्हें दिखाता हूँ इसमें से क्या निकलेगा। इसमें से निकलेगा कौन है? ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखो तो गाइस ये है डायमंड जो कि 10 मिलियन पे आता है। पूरा बहुत वजन हम तो 10 मिलियन वाला है ये। देखो चक्कर बहुत मेहनत के बाद बहुत मेहनत के बाद आवा है डायमंड इसमें। सो गाइस अभी हम थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव पर जा रहे हैं। चलो पंकज भाई स्टार्ट करो। अच्छा आदि भाई इसमें जैसे ये है ये 4x4 का तो ये 2 दो टायर चलेंगे और एन ये 4x4 हो गया और एन ये 4L इसका मुझे इसने पता चला। तुमने पूछा नहीं उससे? मैंने पूछा मैं भी आज देख रहा था ये ड्राइव पे आ गया ना अब। हाँ ये ड्राइव पे आ गया। थोड़ा रिवर्स ले लो पहले। मैं कितनी बढ़िया है बड़े चला रहे हो 2100 से ऊपर से चला रहे हो। अच्छा अभी हम निकल रहे हैं सोनीपत के लिए और अभी मैंने पंकज भाई को भी ले लिया है। बिल्कुल थार में ही चला रहा हूं। तो भाई पूरा भाई कैसा क्या मजा आ रहा है? मजा आ रहा है भाई। ऐसा लग रहा है कि ट्रक व्रक में ऊपर बैठे बिल्कुल फील है भाई। टोर आया पूरा ना मतलब जच जच रही है। उल्ली उल्ली लग रही है बिल्कुल मस्त एकदम। और अगर इसमें सनरूफ और हो जाती ना तो मजा अलग ही लेवल पहुंच जाता। तुम बता दो सनरूफ का कटवा देंगे उसे। नहीं नहीं ठीक है बढ़िया है भाई। एक और चीज बता दूं इसका एसी इतना तेज है। मैंने दोनों वेंट ऐसे घुमा रखे हैं अपनी तरफ करी नहीं। कोई मुझसे कह रहा था कि एसी थार का इतना अच्छा नहीं है लेकिन अब पता चल रहा है कि थार का एसी मैं कम कर दूं। बहुत बार मैंने कम करने के बाद भी मुंह घुमा रखा उनका। पूरी ऑफ रोडिंग चल रही है। मैं जितने रास्ता में सोनीपत इतने कहीं ना मिले पहली ऑफ रोडिंग है गाड़ी की। लो रेडी हो रही पूरी और पंकज भाई पूरा मजा ले रहे हैं ऑफ रोडिंग। हाँ भाई से मैं ये कह रहा था गाड़ी फिसलती है और वहीं पहुंच गए हम ऑफ रोडिंग के मजे। क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और इसलिए हम यहाँ पर आ गए और इस वाले गड्ढे में घुस गए। कोई और गाड़ी होती फंस जाती इधर। सो गाइज अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और अभी मैं हूँ गोकरपुरी दिल्ली। तो पंकज भाई को भी छोड़ दिया है मैंने और अभी रियांश को भी यहाँ पर छोड़ दिया है। तो इस व्लॉग को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। पूरा दिन हमने जो किया जहाँ गए सब आपको दिखाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय। और हो सकता है कि मैं ये वाला व्लॉग पहले डाल दूँ और गाड़ी की जो डिलीवरी होने वाली थी जो व्लॉग बनाया था उसमें ये हुआ कि थोड़ा डाटा मिस हो गया तो वो रिकवर करवाना है उसके बाद एडिट करना है फिर डालना है तो उसमें टाइम लग सकता है। तब तक के लिए मैं ये वीडियो डाल सकता हूँ या नहीं वो देखता हूँ आगे क्या होता है। सो अभी इस व्लॉग को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए फिर।